फॉर्म और बार कोड into the कंप्यूटर The यूजर does नॉट नीड टू मैनुअली एंटर the information. अब वो डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन सी हैं यही बात कह रही हैं जो मैंने आपको बताई कि डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस मीन्स ऐसी डिवाइस जो डायरेक्टली डाटा कंप्यूटर को देती हैं जिसमें यूजर जो है उसको कंप्यूटर पर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी वो खरीदता जा रहा है या कोई भी डाटा उसने देना है तो ऐसी डिवाइसेस को डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं जो अपने आप कंप्यूटर को डाटा दे देती हैं जैसे इसकी एग्जांपल बार कोड है जैसे मैंने अभी आपको जो है ना बताई है एग्जाम्पल अगला टॉपिक बार कोड रीडर के बारे में ही है बार कोड रीडर यू मस्ट हैव सीन द ग्रुप्स ऑफ ब्लैक वर्टिकल स्ट्रिप्स और बार्स ऑन बुक्स एंड ऑन बॉक्सिस ऑफ फूड यू बाई दीज आर कॉल्ड बार कोड्स बार कोड्स आर प्रिंटेड ऑन न्यूमरस प्रोडक्ट्स यू बाई शॉप्स यूज बार कोड्स टू मेनटेन देयर स्टॉक कंट्रोल सिस्टम

कि अगर आप जैसे मॉल में जाते हैं और कोई फूड प्रोडक्ट देखते हैं या कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं फूड प्रोडक्ट के अलावा भी बाकी आइटम्स अगर आप देखें तो उनके पीछे एक बार कोड मौजूद होगा ये ब्लैक लाइन्स वाला तो कंप्यूटर इस बार कोड को स्कैन करेगा और सारा डाटा उसके पास चला जाएगा कि इस प्रोडक्ट की जो है इस प्रोडक्ट का नाम क्या है इसकी प्राइस क्या है इसके बनाने वाले का नाम क्या है कंपनी का मींस नाम क्या है तो ये सारा डाटा उसके पास कंप्यूटर के पास चला जाएगा और जो कंप्यूटर में लिस्ट पहले से मौजूद होगी सब चीज़ों की जो उस मॉल में मौजूद होंगी चीज़ें उन सब चीज़ों की लिस्ट मौजूद होगी यानी उसका डेटा बेस मौजूद होगा तो उसमें से वो लिस्ट का नाम कट जाएगा जो कस्टमर खरीद लेगा ठीक है तो इस तरह से ये बारकोड को स्कैन करता है और बारकोड रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस